बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से हमेशा ये मेरी दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए, प्यारे से सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, करेले मसाला कढ़ाई। करेले बहुत मुश्किल से बनते हैं अच्छे, और मेरे साथ रहें, मैं आपको सिखाऊंगी सारी ट्रिक्स सारे तरीके से। ये मेरे पास स्टेप नंबर 1 है। 1 किलो मैंने करेले लिए, अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया और 2 चम्मच खाने के नमक वो शामिल किया। अब अच्छे तरीके से इसको टॉस करेंगे, हिलाएंगे, नमक लगाएंगे और 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे, ताकि जो कड़वाहट है करेले की वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। तो अब इसको 1 घंटे के बाद अच्छे से साफ सुथरे टैप वाले आम से पानी से धो लें, फ्रेश पानी से, साफ़ सुथरे पानी से, और ऐसे निचोड़ निचोड़ के धोना है, ताकि जो कड़वाहट है करेले की वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। और देखें, ऐसे आपने निचोड़ निचोड़ के 1 घंटे के बाद आपने करेलों को पानी से धोना है। चलें जी, सारा काम हो गया यहाँ से। अब आपने स्टेप नंबर 2 की तरफ आना है। ये अहम हमारा स्टेप है, और इसमें आपकी जो करेलों की कड़वाहट यहीं से ख़त्म हो जाएगी, और बाकी हम आगे जाके स्टेप जब तीसरे में देखेगा वो मज़े का होगा। तो चलें जी, 1 कप हमने ऑयल अच्छे तरीके से गर्म करना है। चूल्हा ऑन कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 1 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया, गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने 1 इसके अंदर करेला डाल के देखा, देखें बबल्स बन रहे हैं कि अच्छा हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके आपने करेलों को फ्राई करना है, पकाना है और गोल्डन ब्राउन करना है। और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको लाजमी देने होंगे और लाजमी लगेंगे करेलों को फ्राई होने में, गोल्डन ब्राउन होने में, और ये क्रिस्पी हो जाएँ, थोड़ा नरम हो जाएँ, फिर आपने और मैं प्याज वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे। तो मैंने इसे थोड़े थोड़े करके सारे करेले फ्राई कर लिए, और देखिए यही हमें लुक रखनी है, यही हमें शक्ल रखनी है, और इस तरह का गोल्डन ब्राउन रखना है, जैसे कि आपको देख रहे हैं आप। वो ये देखें, मैंने पहले से थोड़े से फ्राई कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं अच्छे तरीके से। 1-2 मिनट के लिए दोबारा मिक्स किया, ताकि तमाम करेले एक जैसे हो जाएँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोहा फूड सीक्रेट को लाइक कर लें। और ये 3 बड़ी प्याज हैं, ये आम नॉर्मल कट किया हुआ है, रफली कट किया हुआ है, 3 बड़ी प्याज ये शामिल करना है। और इनको भी हमने 5 से 7 मिनट तक हल्का नरम कर लेना है, हल्का ब्राउन गोल्डन कर लेना है, ज़्यादा कलर नहीं करना। 3 प्याज डाली थी, और जितना 1 प्याज बच जाए तब हमने इसका काम मुकम्मल कर लेना है। तो ये मुकम्मल हो गया, इसको करते हैं साइड पे। अब हमने अपना स्टेप नंबर 3 करना है, जो मेन स्टेप है, जो मसाला स्टेप है, जो करेलों का जायका डेवलप होगा, कड़वाहट को दूर कर डालेगा। और इस तरीके से आप पकाएंगे तो गारंटी है मेरी, कोई करेला आपका कड़वा नहीं होगा, मसाला मज़ेदार। स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छे तरीके से ऑयल गरम कर लें, और सोहा फूड सीक्रेट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और ये मैंने 1 प्याज डाली है, या 1/2 कप आप करें, 1 बड़ा प्याज या 1/2 कप आप एक प्याज डाल दें। इसको भी अच्छे तरीके से हमने पकाना है, फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पहले से कर लिया तो सोहा आपकी बहुत मशहूर है, बहुत आपका शुक्रिया। अब मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और ये मेरे पास 4 अदर टमाटर हैं। आप टमाटर जिस तरीके से काटें काट लें, मैंने थोड़ा सा गोल और मोटा काटा है, और वैसे भी मुझे पेस्ट यहाँ पे बनाना है। और आपने यहाँ पे टमाटर प्यूरी नहीं डालनी, वो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। और ये 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये शामिल करना है, और इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाना है। और टमाटर को हमने जब तक पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक इसको हल्का आंच पे फ्राई करते रहना है, पकाते रहना है।
अगर आपको प्यूरी डालने चाहते हैं तो प्यूरी वाला वो जायका अच्छा नहीं आएगा। मेरे तरीके से पकाएंगे तो जैसे मेरा अच्छा सामान पकता है, ये वाला करेले मसाला कढ़ाई आपका भी उतना ही अच्छा पकेगा इंशाल्लाह। तो अब हमने नमक डालना है, नमक अपने पसंद के मुताबिक डालें। मैंने एक चाय का चम्मच डाला है क्योंकि पहले करेलों में भी नमक होता है। और ये मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर है, ये भी एक चाय का चम्मच है। और ये भी एक चाय का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, ये शामिल कर दिया। अब तमाम मसालों को हमने एक से दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है, फ्राई करना है, ताकि तमाम मसाले, टमाटर अच्छा सा पेस्ट बन जाए, फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और मज़े का आपका करेले कढ़ाई का मसाला बनेगा। और इस तरीके से अगर आपका करेले फिर भी कड़वे हों तो नहीं हो सकते। ये आपको एक अच्छी सी रेसिपी सोहा फूड की तरफ से एक गिफ्ट है। देखें अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब ये हमारा सीक्रेट है, ये मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम का डाला है और ये आपके करेलों को टेक्सचर देगा, जायका देगा और मज़े की ग्रेवी बनाएगा। क्रीम नहीं डालते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपका मज़े का बनेगा। इसको हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए पकाना है हल्की हल्की आंच पे। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा कलर माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ना किया करें। अब हमने जो फ्राई किए थे करेले और प्याज वो शामिल कर देंगे और इनको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे पकाना है पेस्ट के साथ टमाटर वाले। और मज़े मज़े का जायका आपको आज मिलने का, बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा और जो क्रीम हमने डाली है वो बहुत अच्छा इसको जायका देगा। और 1 कप पानी डालना है ताकि तमाम मसाले अब्जर्व हो जाएं करेलों में और करेलों के पान मसाले में। और ये मेरे पास नूडल्स मसाला है 1 साशे। आपके पास नूडल मसाला है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आपके मसाले में और ज़्यादा जायका पैदा होगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जितना आपको ग्रेवी चाहिए तो उतनी रख लें। मैं बहुत कम ग्रेवी रखूँगी क्योंकि हमारी ये करेलों की कढ़ाई है, करेलों का मसाला है, तो मसाले जैसा ही रखना है। अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, अच्छे से बॉयल हो रहा है। और ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब हमने डाले हैं हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, और जितना आपको पसंद हो आप अपने पसंद के मुताबिक डालें। मेरा तो सालन तैयार हो गया। लेकिन ये करेलों का मसाला बिल्कुल रेडी डिश आउट हो चुका है। सो आप फूड सीक्रेट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और मेरे साथ रहें। और इस तरह मैं बनाती जाऊँ, आप देखते जाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। फिर इंशाल्लाह आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।